की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात है बड़ी खबर की, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों ने बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद अकबर ने अपना सरकारी बंगला जो है उसे खाली कर दिया है। नतीजे आए हैं और नतीजे के बाद पक्ष में नहीं आए हैं मंत्री। अब मंत्री नहीं रहने वाले, नई सरकार बनेगी और नई पार्टी की बनेगी। तो नतीजों के बाद बंगला खाली करना शुरू कर दिया गया है। आज पूरा बंगला खाली उन्होंने कर दिया। आपको बता रहे हैं, बात कर रहे हैं मोहम्मद अकबर की, जिन्होंने अपने सरकारी आवास को, सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। कवर्धा से विधायक थे, चुनाव हुआ और चुनाव के बाद करारी हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा और ऐसे में मंत्री अब बंगला खाली करना शुरू कर चुके हैं। सरकारी बंगला खाली कर दिया मोहम्मद अकबर ने। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और नतीजे के बाद पूरा बंगला आज उन्होंने खाली कर दिया है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि नतीजे आते हैं उसके बाद लंबे वक्त तक इंतजार करना होता है और बार बार प्रेशर बनाया जाता है कि आप बंगला खाली कीजिए। लेकिन यहाँ देखिए ये तस्वीर जो है एक अच्छी तस्वीर है कि चुनाव हुआ, नतीजे आए, पक्ष में परिणाम नहीं आए, तुरंत बंगला खाली कर दिया मोहम्मद अकबर ने और आज पूरा बंगला उन्होंने खाली कर दिया है। नहीं कर देना ज्यादा अच्छा होता है और अब चूंकि मंत्रिमंडल का बहुत जल्दी गठन होगा, नया किसी को अलॉटमेंट होगा तो जिसको भी मिलेगा तो इसके पहले कि कोई बोले तो खुद ही खाली कर दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और मंत्रिमंडल का गठन होना है, विधानसभा भंग हो जाएगा, जिसको मिलेगा फिर वो क्यों चक्कर मारे, तो पहले ही कर दो। आपके सामने एक बंगला है, पूरे कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस जो है वो खाली नहीं करवा पाई। नहीं करवा नहीं पाई ऐसा नहीं है, उसको उन्होंने मांग किया कि मैं इसको रखना चाहता हूं तो अलाउ कर दिए, बाकी नहीं करवा पाए वाली कोई बात नहीं। तत्काल एक दिन में आपने खाली कर दिया बंगला? अब सामान थोड़ा बचा है, एक दो दिन और लगेगा।